जहां पर कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर अज्ञात युवक का शव मिला है। अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। युवक की गर्दन पर धारदार हथियारों से वार किए गए हैं। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर की मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए हैं। एएसपी शशि शेखर सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। अभी त्रिभुवन खेड़ा थाना गंगा घाट में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जिसके गले पर धारदार हथियार का निशान है। शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस व्यक्ति की पहचान कराई जा रही है और पहचान कराकर शीघ्र ही हम इस घटना का अनावरण करेंगे और जो भी इसमें शामिल रहा उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। आज 9/9/2023 को थाना क्षेत्र इंदिरा नगर के गाँव जरारा से एक सूचना आया 112 के माध्यम से कि एक आदमी की मौत हो गया है। मृतक का नाम सुमित यादव है, पुत्र वीरेंद्र यादव, जरारा गांव का ही रहने वाला है। 23 साल उम्र है उनका। बॉडी को पुलिस द्वारा कब्जा में लेकर